अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मियां तलहा नेटवर्क एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑन MIUI 14। तो गाइस फाइनली जो है MIUI 14 जो है Redmi 9 सीरीज के एक और मॉडल के लिए रोल आउट हो गया है। Redmi 90, Redmi 9 पावर, इसके लिए रिसेंटली एक OTA अप्लाई अपडेट ग्लोबल यूजर्स के लिए जो है वो रोल आउट की गई है। इस अपडेट में आपको क्या न्यू देखने को मिलेगा, अगर आपको ये अपडेट OTA से नहीं मिली तो आप ये अपडेट अपने मोबाइल में मैनुअली कैसे फ्लैश कर सकते हैं, सारा कुछ मैं वीडियो में आगे चलकर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। तो Redmi 90 जो है बहुत ही बेहतरीन मॉडल है Redmi 9 सीरीज का, इसके लिए जो है MIUI 14.0.3.0 की एक अपडेट रोल आउट की गई है। आपको इधर नजर आ रहा है ग्लोबल यूजर्स के लिए ये अपडेट रोल आउट की गई है। तो यही Redmi 90 इंडिया में Redmi 9 पावर के नाम से है और चाइना में Redmi Note 9 4G के नाम से रिलीज किया गया था। तो अभी अपडेट सिर्फ ग्लोबल यूजर्स के लिए Redmi 90 के लिए आई है, जिसका वर्जन आपको मैंने बता दिया 14.0.3 है और इसमें नीचे चेंज लॉग में क्या बताया गया है वही MIUI 14 की चेंज लॉग बताए गए हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको MIUI 14 की चेंजेस में आगे चलकर वीडियो में बताता हूँ वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस अपडेट की फाइल कल के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहले मैं आपको MIUI 14 की चेंजेस बता देता हूँ जो कि सिर्फ ऑफिशियल अपडेट में देखने को मिलेंगी। अभी ये बीटा अपडेट है, इसमें सिर्फ आपको कुछ सेटिंग्स में चेंजेस होंगी और ऑफिशियल अपडेट में आपको विजेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो क्या चेंजेस होंगी, तो हम अपनी चेंजेस की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलने वाली हैं। एक तो आपको अगर आप फोल्डर पे लॉन्ग क्लिक करेंगे तो फोल्डर इन लार्ज का इस तरह के दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये बीटा अपडेट है, आगे चलकर जब स्टेबल अपडेट आएगी तो इस तरह के विजेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा कुछ और चेंजेस मैं आपको बताऊं तो कंट्रोल सेंटर वही, कंट्रोल पैनल वही रहेगा और कुछ इस तरह के वॉलपेपर्स आइकन्स होंगे और सेटिंग्स में कुछ आपको इस तरह के आइकन्स में चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो गाइस ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी इसमें ऑफिशियल अपडेट में, जब बाद में आएगी तो मुकम्मल आपको MIUI 14 की चेंजेस देखने को मिलेंगी। और आप इस अपडेट की फाइल कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें मिल जाएगा, फाइल डाउनलोड कर लें। और अभी जो मैं आगे मेथड बताऊंगा वही सेम मेथड जो हर वीडियो में मैं अटैच करता हूँ, Xiaomi का मोबाइल इसी मेथड से जो है मैनुअल फ्लैश होता है, तो इस मेथड से आपने फ्लैश कर लेना है। जस्ट सेटिंग में जाएं, सेटिंग में अबाउट फोन में जाएं, अबाउट फोन में अब चेक फॉर अपडेट में थ्री डॉट पे जाएं, थ्री डॉट पे जाने के बाद जो है चूज फॉर अपडेट पैकेज करें, चूज फॉर अपडेट पैकेज करने के बाद जस्ट जो है अपनी फाइल सिलेक्ट करें और उसको फ्लैश कर लें। अगर आपको फिर भी जो है ये मेथड समझ में नहीं आता तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैनुअली अपडेटिंग मेथड का लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देखें जाकर और अपने मोबाइल को जो है मैनुअली अपने Redmi 90 को अपडेट कर लें। तो आज की वीडियो में मैंने हर चीज़ Redmi 90 के बारे में क्लियर कर दी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।